Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Welcome back to our interview segment after a little break. और आज के इंटरव्यू में हमने हमेशा की तरह दोबारा एक बहुत डायनामिक खातून को, एक सेल्फ मेड खातून को इनवाइट किया है. और वो बहुत मसरूफ़ होती हैं, लेकिन वो शाम तक मसरूफ़ होती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत के लिए. उनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है और हम बहुत कुछ सीखेंगे उनकी बातों से आज. तो आज मैं इनवाइट करती हूँ आलिया बतूल को, जो कि एक प्राइवेट स्कूल चलाती हैं. शी इज़ द ओनर ऑफ द स्कूल. वो खुद बताएंगी आपको स्कूल के बारे में भी और अपने बारे में भी. अस्सलाम वालेकुम आलिया. वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. आलिया, पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ कराइए, फिर उसके बाद अपने इदारे के बारे में बताइए. जी मैडम, मेरा नाम आलिया बतूल है और मैंने गवर्नमेंट स्कूल, ये फेडरल गवर्नमेंट से प्राइमरी पास किया मिडिल, और फिर मैट्रिक मागला कॉलेज से एफए, जीटेनफोर कॉलेज से बीए, और होम्योपैथिक इंटरनेशनल कॉलेज से 4 इयर्स का होम्योपैथिक में डिप्लोमा हासिल किया. उसके अच्छा जी, बाद आपने शादी की होम्योपैथिक में, जिंदगी शुरू हुई. जी होम्योपैथिक में डिप्लोमा लेने के बाद आप टीचर कैसे बनी, ये सारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी. मैडम वो क्योंकि होम्योपैथिक का भी मुझे बहुत ज्यादा शौक था डॉक्टर बनने का, तो मैं अच्छा डॉक्टर तो बन गई लेकिन फौरन शादी हो गई अच्छा 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 तो प्रैक्टिस ना कर सकी. तो शादी के बाद ये है कि फिर एक आम नॉर्मल जिंदगी मैंने शुरू कर दी. सही. तो मेरा बेटा हो गया, तो बेटे का जब एडमिशन का वक्त आया तो वो स्कूल ना जाना चाहे ना, तो अच्छा. उसकी वजह से फिर मैंने एक नए उसके लिए स्कूल बनाने का प्रोग्राम बना लिया. अच्छा, तो वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? इतनी लायक माँ का बेटा जो है, स्कूल से क्यों घबराता था? मैडम वो दरअसल मतलब एक पढ़ाकू बच्चा नहीं था ना, वो एक प्लेयर बच्चा था, वो खिलाड़ी बच्चा था. उसने खेल में अपना नाम करना था, जो उसकी फितरत में थी और जो मुझे नजर आ रही थी कि वो एक खिलाड़ी बच्चा है, उसने खेल खेल में ज्यादा तवज्जो थी उसकी. अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो फिर आपको उसके लिए अपना स्कूल बनाना पड़ा. जी मैडम बिल्कुल. अच्छा, तो बताइए कैसे कैसे बनाया, कैसे शुरू किया? ये कोई इतना आसान काम तो नहीं जितनी आसानी से आप बता रही हैं कि बस मैंने अपना स्कूल बना लिया. इट्स नॉट दैट सिंपल. तो मुझे बताइए क्या किया, कैसे शुरू किया? मैडम बस वो चूंकि स्कूल में उसका एडमिशन तो करवाया था, लेकिन वो चूंकि नहीं जाना चाह रहा था. 9 to 12 वो मुस्तकिल रो रहा होता था, तो वो बीमार भी हो गया, तो मैंने उसे ले आई. फिर मैं G11 में उस वक्त रहती थी इस्लामाबाद में. अच्छा, तो मैं अपने इर्द गिर्द के तमाम स्कूलों पर गई हूँ, मैंने विजिट किया, वहाँ से सिलेबस लेकर आई, वहाँ से फॉर्म्स लेकर आई और सारी स्टडी की. फिर प्रॉपर अपने स्कूल का फॉर्म बनाया, सिलेबस तैयार किया, और फिर उसके मतलब मॉन्टेसरी सिस्टम की सारी चीजें लेकर आई, झूले स्लाइड सब चीजें खरीद के लाई, कॉपियां बनवाई अपने स्कूल के नाम. उस वक्त मैंने बेग एकेडमी के नाम से स्कूल बनाया था, क्योंकि ये बेग फैमिली थी जी, तो इस वजह से बेग एकेडमी के नाम से बनाया था. सही. तो ये सारे अमल में, इस पूरे प्रोसेस में किसी ने आपकी हेल्प भी की या आप खुद ही करती चली गई सारा कुछ? मैं खुद ही करती रही हूँ सारा कुछ. सही, सब सही. कुछ मैं खुद ही गई. मैं बुक्स कॉपियां खुद ही बनवाई, बुक्स लेने खुद गई, लाहौर गई थी, लाहौर से कॉपियां बनवा के लेकर आई थी, और मरी रोड से झूले बनवाए, स्लाइड्स बनवाए, सारे खुद ही. सही, जबरदस्त. बल्कि मेरा छोटा बेटा 3 साल का था, उसके साथ लेके जाती थी हर जगह. ओह माशाल्लाह, उसके साथ ही माशाल्लाह, सारा कुछ मैं करती थी. दिस इज ग्रेट आलिया. ये तो मतलब बहुत ही अनहोनी सी बात. जैसे देखिए, जब हम स्कूल्स को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये एक पूरा इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, और इसके अंदर कितने ढेर सारे काम होते हैं, पेपर वर्क से लेकर जो फिजिकल इन्वायरमेंट को मैनेज करना और फिर सारी चीज़ें, और एक अकेली खातून अपने छोटे से बच्चे को लेकर ये सारा कुछ खुद ही मैनेज करती रही. हैट्स ऑफ टू यू आलिया, माशाल्लाह, इट्स वेरी करेजियस ऑफ यू कि आपने ये सारा कुछ खुद मैनेज किया. अच्छा, बताइए आपका स्कूल अब कितना माशाल्लाह पुराना हो गया और उसमें स्ट्रेंथ क्या है और क्या क्या करवाती हैं आप अपने स्कूल में? अपने स्कूल की कुछ खास खास बातें बताएं. मैडम चूंकि मैं चूंकि ट्यूशन पढ़ाती रही हूँ ना,
तो मैं ट्यूशन के दौरान मैंने ये महसूस किया था कि बच्चों की रिटन पावर बहुत कमजोर होती है। अच्छा तो मैंने अपने स्कूल का बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि अपने बच्चे को रिटन पावर दूं और उसको लिखने में जो प्रॉब्लम होती है ना वो ना रहे। सही, छोटे बच्चों की अगर हम मतलब उसकी राइटिंग पे फोकस दे देना ज्यादा, तो इसी बेस पे मैंने अपने स्कूल को बनाया और मैं कामयाब सिर्फ इसी वजह से हुई हूँ कि मैं अपने बच्चों की बेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब आपके स्कूल का नाम क्या है? शुरू तो आपने बेग एकेडमी के नाम से किया था, लेकिन अब क्या नाम है उसका? मैडम अब मेरे स्कूल का नाम शाह मोहम्मद मेमोरियल स्कूल है। जी अब ये रजिस्टर है FG से और माशाल्लाह से 1 से 3 तक हम पहुंच गए हैं और तकरीबन माशाल्लाह 70 से 80 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये किन के नाम पर है? ये मेरे सुसर अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने उन्हीं के नाम पे क्यों रखा ये स्कूल? क्योंकि ये उनका पोता था, उनके नाम को हमेशा जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उनके अच्छा पोते की वजह से स्कूल बना। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। यानी उनके पोते की वजह से बना, तो फिर वो दादा का नाम जो है इंशाल्लाह हमेशा जो है वो जी जिंदा रहेगा। और अभी आपके पास टीचर बिल्कुल कितने हैं, और क्या आप खुद भी पढ़ाती हैं या अब आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजेरियल काम करती हैं? मैडम, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही करती हूँ क्योंकि मेरी प्रिंसिपल भी हैं, टीचर्स भी हैं, सारा स्टाफ मौजूद है अब मेरे पास, अच्छा, लेकिन बाकी चीजों को जो है वो आप खुद देखती हैं? मैनेज खुद करती हूँ। अच्छा ओवरऑल टीचर्स के क्लासरूम तक भी मैं रहती हूँ, क्लासरूम में से भी मैं आउट नहीं होती, हर क्लास में जरूर वीकली 1 दिन में जाके टीचर्स के साथ बैठ के बच्चों का काम देखती हूँ। बच्चों को देखती हूँ कि टीचर्स किसी बच्चे को कोई बच्चा इग्नोर तो नहीं हो रहा, कहीं से कोई बच्चे की कहीं कमी तो नहीं रह रही है। सही। और मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल में, जैसे आपने कहा कि रिटन वर्क पे आपका फोकस होता है और आप चाहती हैं कि उनके पास ये पावर हो कि वो लिख सकें, और बेस आप बहुत अच्छी बनाती हैं, तो कोई दो बातें बताइए जो खास तौर पर आपके स्कूल में हैं, जो कहीं और हमें देखने को नहीं मिलेंगी। कोई दो ऐसे काम जो आप करती हों या अपनी टीचर्स से करवाती हों जो कि बिल्कुल यूनिक हों, स्पेशली आपके स्कूल से ही रिलेटेड हों। मैडम सिर्फ ये होता है कि हम फर्स्ट डे, जब हमारे पास PG का बच्चा फर्स्ट डे आता है, 3 इयर्स का बच्चा रोता हुआ आता है, वो भी फर्स्ट डे लिख के जाता है, ओ रियली, मतलब रिटन वर्क लाजमी वो करके जाता है। एक हाफ पेज, और हमारा ये होता है हाफ पेज क्लास वर्क और हाफ होमवर्क जरूर देते हैं। हम कहते हैं पेरेंट्स को हाथ पकड़ के करवाएं, लेकिन करवाएं जरूर ताकि उनकी हैबिट हो कि उसने करना है रिटर्न वर्क। ओ वेरी गुड। तो ये रोता रोता बच्चा कैसे लिख के जाता है? मुझे तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। यही तो होता है कि रोता हुआ भी ना वो उसने लिखना, क्योंकि बेटा अगर आपने लिख लिया तो आप घर चले जाएंगे ना, मामा आके ले जाएंगे आपको, तो वो अच्छा सेकंड में आराम से वो लिख लेता है। अच्छा यानी यानी देयर इज नो वे आउट। स्कूल में आए हैं तो हमें स्कूल का काम जरूर करना है, चाहे रो के मैडम करें हंस के करें, ताकि डे वन से उनकी आदत बने। ये तो बड़ी वाकई ये यूनिक बात है बड़ी, क्योंकि अक्सर स्कूलों में तो ये होता है कि जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं वो मतलब हफ्ता 10 दिन या 15 दिन तो उनके लाड वाट में ही गुजर जाते हैं, बैठो ये करो वो करो झूलों पे जाओ, बट यू स्टार्ट विद देम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आप उनको काम पे लगा देती हैं, और इसीलिए शायद आप आज ये कह सकती हैं कि उनकी बेस जो है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि उनको पता है कि हमें काम करना है हर हाल में। तो लिखना है, हमें लिखना है बस, हमें ये है कि देखिए ओरल तो बच्चा किसी वक्त भी कर सकता है, वो TV से भी कर लेता है, वो मोबाइल से भी कर लेता है, लेकिन रिटर्न जो है वो आपको टीचर से ही सी बच्चा कर सकता है, बिल्कुल वो सही किसी और से बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहते हैं। इवन पेरेंट्स नहीं करवा सकते, वो उस्ताद नहीं या करवाऊ खुद से, उस्तानी इनकी ही क्लास के पेरेंट्स भी नहीं करवा सकते, सिर्फ टीचर करवा सकती हैं। और टीचर भी आप ये कह दें कि बेटा आप लिखो तो वो नहीं लिखेंगे, आपको किसी ना किसी टेक्निक के तहत बच्चे के पहले आपको उसकी वीकनेस पकड़नी पड़ती है कि बच्चे किस वजह से वो लिख सकेगा, सही तो सही फिर सही उस पे फोकस देना पड़ता है। बिल्कुल सही। और ये बताइए कि जो ट्यूशन का सिलसिला चल रहा था, क्या वो अब भी चल रहा है स्कूल के बाद या नहीं? जी मैडम, वो मॉर्निंग में हमारा स्कूल और इवनिंग में हमारा ट्यूशन। ट्यूशन का भी ये है कि जो बच्चे मेरे पास एक दफा ट्यूशन आते हैं ना, समझे कि वो 1 से आए तो मैट्रिक तक मेरे पास होते हैं, फिर वो अरे पेरेंट्स के यहाँ नहीं जाते हैं। अच्छा वो पेरेंट्स भी किसी और के पास नहीं जाते हम, मेरे मेरे बच्चों को लेके। अच्छा बस यानी जो एक दफा आपका हुआ वो हमेशा के लिए हो गया आपका, वो कहीं और नहीं जाएगा। अब तक तो यही हुआ है, जो ट्यूशन मेरे पास आ गए G11 में, जो मेरे पास थे वो मेरे पास थे, जब मैं वहां से घर, हमारा शिफ्ट हुआ और हमारा घर सेल हुआ और हम यहाँ आए, तो अब भी जो मेरे पास यहाँ पे है वो अभी तक मेरे पास
नाइन्थ टेंथ में पहुंच गए, वो बच्चे मेरे पास ही हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये बताइए कि इतना सब कुछ खुद करते हुए अपने बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? कहीं वो मैडम इग्नोर तो नहीं मैंने होते? अपने बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं किया, इसी वजह से नहीं इग्नोर किया कि सबसे पहले तो उनका हक है ना मुझ पर। बिल्कुल तो मैं अपने 3 साल तक के बच्चे के लिए तो हर कुछ छोड़ देती हूँ, पूरा टाइम उसे देती हूँ। यानी जब अगर वो बच्चे जाग रहे होते हैं तो यहाँ तक कि मैं किचन में भी नहीं जाती, मैं उसे लेके बैठी रहती हूँ। जब वो सोते हैं तो मैं किचन में जाती थी। 3 साल तक मैं स्कूल को भी इग्नोर छोड़ देती हूँ, टीचर्स के हवाले कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि सही। नहीं, 3 साल तक पूरा का पूरा मेरे बच्चे का हक है मुझ पर, मैं उन्हें ही टाइम देती हूँ सिर्फ। देखिए ना, एक मेरा बेटा जो है वो 7 साल का हुआ है तो मेरी बेटी आई है माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह जब वो 6 साल की हुई है फिर मेरा छोटा बेटा है, माशाल्लाह। और अब छोटा कितने साल का है? माशाल्लाह। छोटा माशाल्लाह से 7 इयर्स का हो गया। कौन सा रोल ज्यादा मुश्किल है, एक स्कूल को चलाना या एक माँ होना? कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल है? बड़ा मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप ऐसे तरीके से चला रहे हो तो दोनों रोल्स अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। सही, वेरी गुड। और आप एंजॉय ज्यादा किसको करती हैं दोनों में से? मैं दोनों को करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे गोद में बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने घर नहीं जाना, मैंने आपके पास ही रहना है, उस वक्त भी बहुत खुशी होती है। वाकई और ये तो बच्चे तो बहुत फिर रिवॉर्डिंग, ये तो बहुत रिवॉर्डिंग है कि कोई बच्चा कहे कि मुझे स्कूल से नहीं जाना, वरना तो नहीं जाना है, उमूमन बिल्कुल उमूमन स्कूल से तो बच्चे तीर की तरह बाहर निकलते हैं गेट से और भाग के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बट दिस इज वंडरफुल कि वो आपके स्कूल से जाना ही नहीं चाहते। मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन के दिनों में आपने क्या किया? क्या ऑनलाइन पढ़ाती रही बच्चों को या किस तरह अप्रोच किया अपने बच्चों तक, कैसे पहुंची आप? मैडम। चूंकि देखिए हमारा तो वर्क कॉपी वर्क होता था ना, तो हम ये करते थे कि कॉपीज तैयार करते थे और पेरेंट्स को आके कहते थे ले जाएं। और कुछ अच्छा बच्चे ऐसे होते थे जिनको पेरेंट्स हैंडल नहीं कर सक रहे थे, उनको सिखा नहीं सक रहे, तो कुछ पेरेंट बच्चों को हम वीकली 2 डेज, दो दो बच्चों, तीन तीन बच्चों को रेगुलर बुलाते थे, और एक टीचर को, ताकि वो उस बच्चे को सिखाएं। और उस बच्चे की किसी की में भी कोई कमी हमारी नहीं रही लॉकडाउन के दौरान भी। अच्छा, यानी आप अल्टरनेटली और दो दो तीन तीन बच्चों को साथ साथ बुला के भी पढ़ाती सिखाती रही हैं, जिनको जी मैम, पेरेंट्स जो हैं वो जी नहीं मैनेज कर सके घर में, उनको मैनेज उनके कर लिए सक रहे आपने जो थे। है टीचर्स को मौजूद रखा, ऑन ड्यूटी रखा और उनके साथ काम करती रही। मैडम यानी मैं सुबह 8 बजे से 6 बजे से स्टार्ट करती थी और तकरीबन समझे 1 बजे तक एक एक घंटा मुख्तलिफ दो दो स्टूडेंट्स को दे रही थी उन दिनों, खुद अच्छा माशाल्लाह। आप खुद भी टीचर्स भी। इस तरीके से करके ना हमने मैनेज किया था कि बस सिर्फ दो बच्चे आते थे और हम लोग एक टीचर एक कमरे में होती थी, उन बच्चों को टाइम दे रहे थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन में ये भी हुआ कि बहुत सारे स्कूल्स को इस तरह से भी असर पड़ा कि बहुत सारे बच्चे चले गए उनसे, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ? अगर आप इतनी तवज्जो दे रही हैं फिर तो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल में। नहीं मैडम, मेरे जो स्टूडेंट्स जो है ना, तकरीबन समझे कि यही तो मैं कह रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चों की बेस बन रही है ना, तो फिर वो नाम और बड़े स्कूलों को नहीं देखते, फिर सही। वो मेरे पास ही है अभी तक। अच्छा यानी आपकी स्कूल स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ा? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि दिस इज ग्रेट, दिस इज वंडरफुल। इस इलाके की आबादी बहुत थोड़ी है ना, ये नया इलाका है और आबादी बहुत थोड़ी सी है। हमारे यहाँ पे सारे हॉस्टल्स बहुत हैं, अगर अच्छा यहाँ की आबादी ज्यादा होती तो शायद मेरे स्कूल की तादाद भी ज्यादा होती। अच्छा यहाँ पे कम है लोग हैं कम, हॉस्टल जी ज्यादा जी है, तो फिर हॉस्टल्स भी ही है, उसमें ये भी हॉस्टल माशाल्लाह, कॉलोनी। उसमें भी माशाल्लाह स्ट्रेंथ तो आपकी बहुत अच्छी है। और अगर आप इंडिविजुअली तवज्जो दे सकती हैं तो फिर तो ये और भी मजे की बात है, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि एक एक दो दो बच्चों को भी आप लेके बैठी रही और आपने उनको काम करवाया। जी मैम, मुझे ये बताइए कि आप अपने जो पेरेंट्स हैं, जो आपके स्कूल की कम्युनिटी है, आप अपनी स्कूल की कम्युनिटी में पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की सपोर्ट है जो आपको चाहिए उनसे? जाहिर है जिसके नतीजे में फायदा तो उन्हीं का होगा, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से सीखेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आप चाहती हैं आप पेरेंट्स से कहना? मैडम पेरेंट्स से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स से मुझे कंप्लेन नहीं मिली ना, उन्होंने मुझे किए ना मुझे उनसे। वो मेरे साथ बहुत कॉपरेट करते हैं, उनको जिस वंडरफुल तरीके से भी मैं गाइड करूँ तो वो मेरे साथ देते हैं। अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे पास।
अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त बात, यानी सारी बातें ही पॉजिटिव हैं। आप मैं बताऊं आपको, मैं ये पहला इंटरव्यू है जिसमें के वो ना गिला है दोस्तों से ना शिकायत है जमाने वाली बात है आपको बिल्कुल पेरेंट्स भी आपके साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर कोई स्कूल खोलना चाहे तो क्या मशवरा देंगे आप उसको? अगर कोई आजकल के जमाने में स्कूल बनाना चाहे तो पहले तो बताइए कि आप क्या मशवरा देंगी, स्कूल खोलो या ना खोलो। दूसरा, एकेडमिकली क्या मशवरा देंगी कि क्या करेंगे तो स्कूल का नाम बनेगा? मैडम, एक तो यकीन रखें अपने खुदा पे और ईमानदारी से काम करें, ईमान को साथ लेके चलें और दौलत की हविस ना करें। बेशक 2 रुपए कमाएं, लेकिन आप इतनी मेहनत करें कि जो आपका हक बनता हो, तो आप जरूर कामयाब होंगे। स्लो स्लो चलेंगे लेकिन कामयाब जरूर होंगे। इस चीज को अगर हम समझ लें कि अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं तो उसमें से 3 और 4 मुस्तहिक बच्चों को भी लें, जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आप जाहिर ना करें कि आप उनसे नहीं ले रहे। आप उन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से आप दूसरे बच्चों को कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो आपके स्कूल में तो फिर इसका मतलब है इस तरह मुस्तहिक बच्चे जो हैं वो जरूर होंगे दूसरे बच्चों के साथ इकट्ठे वहां पे। जी मैडम, बिल्कुल। मैं कहती हूँ 10 में से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास 6 अगर पे कर रहे हैं तो 4 मेरे पास वो बच्चे हों जो मुझे नहीं पे कर रहे हैं लेकिन मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उनकी दुआओं से ही शायद मैं आगे चल रही हूँ सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन यकीनन, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। इस ये तो कोई मतलब किसी किस्म के मॉनेटरी दायरे में आता ही नहीं है। ये तो ये ऐसा रिवॉर्ड है कि जो आपको मिलता है यकीनन। आपको नहीं पता कि वो वालदैन मुझे कितनी दुआएं देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी दुआएं जो है मैं कहती हूँ कि मेरे लिए सारी दुनिया की नेमत से बढ़कर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जिस जज्बे के साथ आप काम कर रही हैं, और देखिए मतलब जैसे आप बता रही हैं कि 2-2, 3-3 बच्चों को भी लेकर बैठना और पूरी तवज्जो देना, तो मुझे यूं लगता है कि बहुत बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही हैं। बेशक स्ट्रेंथ अगर जितनी भी है, बट आप एक बहुत बड़ी सर्विस दे रही हैं अपनी कम्युनिटी को, उधर के लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, और ये बहुत अच्छी बात है। और तभी वो सारे जो हैं वो आपको एक्नॉलेज भी करते हैं, और किसी ने आपको शिकायत कभी नहीं की, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आप किस जज्बे के तहत जो है वो काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे अपने वो खिलाड़ी बेटे के बारे में बताइए कि उसने पढ़ा या वो अभी तक खेल ही रहा है? माशाल्लाह मैडम, वो अब तो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया है फुटबॉल का, चाइना से वो लेकर आया था। और अभी दिस इज सुपर जी मैडम, क्योंकि उसके अंदर बचपन से ही थी प्लेयर, तो मैंने उसे फुटबॉल क्लब ज्वाइन करवाया था और अब वो अपना क्लब चला रहा है अल-क़ायम के नाम से। अल-पाइन के नाम से? अल-क़ायम, क़ायम। अच्छा, अल-क़ायम, मैं यही सोच रही थी अल-पाइन, तो उसको तो फिर माउंटेन नहीं। अल-क़ायम के नाम से उसका क्लब है फुटबॉल का, वो अब रन कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ वंडरफुल। और मेरे ख्याल में ये बात ही एक बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को देखें कि वो क्या करना चाहता है। वो अगर खेलना चाहता है तो उसको खेलने दें, उसको मार मार के पढ़ाई की तरफ मत लाएं। और ये आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। यस बिल्कुल। अब आप मेरे घर आए तो हमारे घर बड़े बड़े ट्रॉफियां भरी पड़ी हैं, तकरीबन समझे के 40-60 पड़ी हुई हैं, सब मेरे बेटे की हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद जो आपकी बेटी है वो पढ़ने में दिलचस्पी रखती है? मैडम वो फाइन आर्ट्स में दिलचस्पी रखती है, वो इंशाल्लाह आर्टिस्ट बनेगी। उसे फाइन आर्ट का जुनून की हद तक शौक है, तो उसकी हर चीज वो मैं पूरी करती हूँ जो मतलब उसकी उसमें हेल्पफुल हो। वेरी गुड, दिस इज एक्सीलेंट। यानी एक फुटबॉलर, एक आर्टिस्ट, और आखिरी वाला? आखिरी वाला इंशाल्लाह पढ़ेगा वो। अच्छा, मेरा बच्चा पढ़ने वाला, वो पढ़ने वाला है, वो पढ़ने वाला है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ये इंटरव्यू इस तरह से कि इट्स लाइक एन आई ओपनर फॉर द पेरेंट्स आल्सो, कि जो आपके बच्चे में जो सलाहियत है, जो उसका पोटेंशियल है, आपने उसी को आगे बढ़ाना है। आपने अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करनी या सारों को हांकते हुए स्कूल की तरफ, स्कूल के रास्ते पे नहीं चला देना। जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं, अब देखिए वो अपनी एकेडमी चला रहा है, सच अ वंडरफुल थिंग। और बेटी इंशाल्लाह फाइन आर्ट्स में जाएगी, एंड यू आर कूल अबाउट इट। आपको बिल्कुल ये खौफ नहीं है कि जी उसे डॉक्टर बनना चाहिए या उसको इंजीनियर बनना चाहिए, वो बनना
वो बन रही है जो वो बनना चाहती है. दिस इज वंडरफुल. आलिया इतने अच्छे, इतने मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सी सोच जो है, ये कहाँ से आई? मैडम ये पैदाइशी होती है सोच तो चेंज नहीं होती अच्छा ये तो बाय नेचर होती है हाँ बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि शायद आपको किसी ने इंस्पायर किया और आपने कहा नहीं नहीं ये होना चाहिए, बट एज यू सेड कि नहीं आप हमेशा से ही ऐसी थी और आपको पहले से ही ये पता था कि आप. मैं एक्सेलेंट स्टूडेंट रह चुकी हूँ, क्विज कंपटीशन में बेस्ट इन क्विज रह चुकी हूँ कॉलेज की अच्छा अपने, और मैं अपनी टीचर्स की बहुत लाडली रह चुकी हूँ. मेरी टीचर्स अच्छा आज भी मुझे बहुत याद करती, क्योंकि स्टूडेंट के लिहाज से तो मैं बहुत लाइक स्टूडेंट रह चुकी हूँ. सही सही, लेकिन और इसके साथ साथ आप बच्चों की ज़रूरियात को समझती हैं और ये मुझे बहुत खुशी हुई है. और मैं ये सोच रही हूँ कि ये इंटरव्यू मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अक्सर हर इंटरव्यू में लोगों से कहती हूँ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को, आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन आपने तो मैसेज ज़ुबानी नहीं दिया बल्कि प्रैक्टिकली आपने करके दिखाया, और सबसे पहले अपने बच्चों के ज़रिए आपने ये प्रूव किया कि बच्चे को उसकी दिलचस्पी, उसके शौक़ और उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सारों को ही आप एक ही रंग में रंगने की कोशिश करें. दिस इज़ वंडरफुल आलिया. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि दिस इज़ गोइंग टू बी सच एन अमेजिंग इंटरव्यू. मैडम मेरा स्कूल आज बहुत आगे जा चुका होता है, लेकिन मैंने अपने बच्चों की खातिर स्कूल दरमियान में ब्रेक किया है, दोबारा ज्वाइन किया, दोबारा ब्रेक किया है, सिर्फ बच्चों के लिए. अच्छा जब बच्चों को जरूरत नहीं तो बनाया, दोबारा खत्म कर दिया. अच्छा, ये कब हुआ? ये जब मेरा बेटा 2 साल का था तो मैंने एकेडमी बनाई, और 2 साल जब उसे स्कूल में मैंने दाखिल करके तो स्कूल खत्म कर दिया था अपना एकेडमी स्कूल. अच्छा और फिर बेटी के लिए बनाया, तो अब बेटी की, चूंकि बेटी 1 में गई और छोटा हो गया, तो फिर मैंने ये अब छोटे को मैं कहती हूँ कि मैं खुद लेके जाऊंगी मैट्रिक तक इंशाल्लाह. और वो आपके स्कूल में ही पढ़ता है? जी जी मैडम, अभी ग्रेड 3 में. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज वंडरफुल. आलिया मदर्स को क्या मैसेज दें? वैसे तो आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया, लेकिन कोई मैसेज देना चाहेंगी मदर्स को? कि अपने बच्चों के लिए परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जिस लिए पैदा किया है उसने वही करना है. आप परेशान हो के, आप घबरा के, और आप बच्चों को जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते. सही, तो सही. आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें और कोशिश करें सिर्फ जो कर सकते हैं, सही. बस. इसके अलावा आप बिल्कुल भी ना परेशान हो कि आपका बच्चा भटक जाएगा या गलत हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा. अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को किसी खास मकसद के लिए पैदा किया, वो उस इंसान ने उस मकसद तक पहुंचना ही पहुंचना है. सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो हमारे परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाना, हमें बस मेहनत करनी है और अपना एतमाद, अपना जो अल्लाह के ऊपर ईमान है उसको कायम रखना है, और इंशाल्लाह रास्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात खुद निकालेंगी. बहुत शुक्रिया आलिया आपके टाइम का. मुझे पता है कि आप बहुत बिजी होती हैं, बट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू आलिया, एंड आई रियली इंजॉयड. और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी बातें आपने बहुत सिंप्लीफाई करके बयान की, जो कि सबके लिए बहुत अहम है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आलिया, इट वाज वेरी नाइस. थैंक यू सो मच मैडम कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इंटरव्यू किया. ये आपके लिए, मेरे लिए बाइस से फख्र भी है कि आपने सब कुछ किया. नहीं नहीं यू आप बिल्कुल इसके काबिल हैं, और बल्कि इस इंटरव्यू के बाद तो और भी काबिल हैं, आप मजीद काबिल हैं. थैंक यू सो मच आलिया. थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. ये आपने आलिया बतूल की बातें सुनी, और आपने देखा कि कैसे उन्होंने सिर्फ कोई ज़ुबानी कलामी किस्म के मैसेजेस नहीं दिए, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कि उन्होंने सबको ये मैसेज दिया कि हर बच्चा जो है वो यूनिक है, अपने अंदर एक ख़ास सलाहियत के साथ पैदा हुआ है, और पेरेंट्स का काम, वालिदैन का काम, ख़ास तौर पे माँ का काम ये है कि वो उस सलाहियत को निखारने में बच्चे का साथ दे, ना कि जो उसने सोच रखा है बच्चे के लिए बस उसको उसी रंग में ढालने की कोशिश करे. आई होप यू इंजॉयड दिस एपिसोड ऑफ इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू.